सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भुवनेश्वर के उदयगिरी घूमने आए हैं। सबसे पहले हम पे गाड़ी पार्किंग करने के बाद हम टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद आपको ऐसे तीन शिला दिखेगा। उसके बाद इसमें जब सब कुछ हिस्ट्री लिखा होता है पढ़ सकते हो यहाँ पे आने के बाद। और हमने यहाँ पे अंदर एंट्री हो चुके हैं। टिकट दिखाने के बाद आपको यहाँ पे 25 रुपये में टिकट मिलता है। बाकी यहाँ अब कितने में मिलेगा आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जिस टाइम लिया था वो 25 रुपये ही था। यह कभी भी बढ़ सकता है। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। ऊपर से मैं आपको पूरा नज़ारा व्यूअर्स दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए घूमते हैं अभी उदयगिरी और साथ में आपको भी घुमाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं उदयगिरी। जब आओगे आप तो यहाँ पे बहुत सारा गुम्फा देखने को मिल जाता है और गुम्फा का नाम भी लिखा होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का गुम्फा कुछ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। लगभग यहाँ पे 18 गुम्फा है आपको देखने को मिलेगा, 18 गुम्फा। और उन सभी गुम्फा का नाम भी मैं बता दूंगा आपको, आप आके उस गुम्फे को भी देख सकते हो। सबसे पहला जो गुम्फा है यहाँ पे उसका नाम है रानी गुम्फा। और जो दूसरा गुम्फा यहाँ पे आता है बजघर गुम्फा आता है, उसका दूसरे नंबर पे। आप पूरा घूम के देखोगे तो वहाँ पे लिखा भी होता है कौन सा गुम्फा। उसके बाद आता है हमारा छोटा हाथी गुम्फा और 4 नंबर में हमारा आता है अलकपुरी गुम्फा। और उसके बाद एक गुम्फा और है, मैं पूरा बता दूंगा आपको कौन कौन से गुम्फा है। पनासा गुम्फा है, उसके बाद जय विजय गुम्फा है, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इस तरह का छोटे छोटे गुम्फा आपको मिलेगा। और उसके बाद ठाकुरानी गुम्फा, उसके बाद पटालपुरी गुम्फा, ये सब मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको तकरीबन 18 गुम्फा मिल जाएगा देखने के लिए। उसके सामने आपको लिखा मिल जाएगा, उसका हिस्ट्री भी मिलेगा। तो आज हम बेसिकली ये उदयगिरी घूमेंगे और उसका नज़ारा देखेंगे और साथ में ये जो गुम्फा है उस गुम्फा का अनुभव लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से गुम्फा दिखता है। और यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट आउट ऑफ उड़ीसा से भी आ रहे हैं बहुत सारे। जो लोग पुरी जाते हैं, पुरी से जब रिटर्न करते हैं तो भुवनेश्वर के रास्ते जाते हैं। कोलकाता से बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पुरी जाने के लिए। तो क्या होता है, जब इस रास्ते से वो लोग जाते हैं तो खंडगिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी, नंदनकानन ये सब पड़ता है। तो ये सब देख के वो सब जाते हैं, फिर घर लौटते हैं। तो ये सब इस तरह का होता है। तो आज हम बेसिकली ये तो घूम रहे हैं उदयगिरी, और नेक्स्ट ट्रिप हम आपको दिखा देंगे खंडगिरी का पूरा वीडियो। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह का 18 गुम्फा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे गणेश गुम्फा भी मिलेगा आपको, जहाँ पे गणेश का मूर्ति दिया हुआ है वहाँ पे गणेश का गुम्फा है, उसमें गणेश का मूर्ति भी मिलेगा। बहुत सारे गुम्फा यहाँ पे धीरे धीरे से ख़राब हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना गुम्फा है। उसके बाद एक विजयगढ़ गुम्फा मिलेगा जो कछुए टाइप का होता है। उसके बाद जांबावारा गुम्फा मिलेगा यहाँ पे। सापरा गुम्फा भी है यहाँ पे, हाथी गुम्फा है, और उस हाथी गुफा थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे जगन्नाथ गुफा है, रुसाई गुफा है, हरिदास गुफा। तो इस तरह का आपको ये देखिए, ये सब गुफा है इस तरह का। उसके गुफा का नाम भी दिया गया है आपको, इस टाइप का 18 गुफा है। और यहाँ पे छोटा छोटा बोर्ड पत्थर में बना हुआ है, उसमें उसका हिस्ट्री जो है वो लिखा है। और साथ में आपको ये जो दीवार है वो भी खोद के लिखा गया है, शिलालिपि वो भी खोद के लिखा गया। आप अभी आओगे तो यहाँ देखोगे तो इतना कैमरे में सही नहीं आ रहा है इसमें, तो आप पास में आकर देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो अगर पढ़ पा रहे हो तो। और यहाँ पे उड़िया, इंग्लिश और हिंदी में लिखा है कौन कौन सा गुम्फा का नाम है। कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है। और वहाँ पे रहा खंडगिरी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।